नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जनवर में। और दोस्तों अभी मैं खुद थोड़ा सा कमर दर्द से परेशान हूँ, तो सुबह जो है नींद नहीं खुलती और फिर ऑफिस भी भागना होता, तो इसलिए वीडियो डाल नहीं पा रहा था। तो अब थोड़ा सा आराम है, बहुत तो कंटिन्यू वीडियो करेंगे। और अभी दोस्तों जो बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो बारिश के अंदर अब मैं लॉफ्ट की थोड़ी सी कंडीशन दिखाऊँ कि भाई लॉफ्ट जो मेरा बना था, और अभी यहाँ पर जो है टीन शेड डलेगी, जहाँ पे आपको कपड़ा दिख रहा है ना, यहाँ पर टीन शेड डलानी है, ठीक है, ताकि बारिश का पानी और भी ना आए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों ये जो लॉफ्ट है मेरा, यहाँ पर टीन डल जाएगी, एक उस कोने पे और एक इधर, ठीक है, दो जगह टीन हो जाएगी। और ये जो जालियाँ दिख रही है ना, इसको फिर हम प्रॉपर तरीके से इसका सेटअप देखेंगे कैसे बन सकता है, क्योंकि जो ब्रीडिंग केज का जो बात हुई थी, तो मैं अजय भाई से ये जो तीन केज है ये ले आया था मैं। और अब इसका जो इसमें जो दरवाजे वगैरह नहीं है, तो उसको प्रॉपर तरीके से बनाकर फिर सेटअप करेंगे कि देखेंगे कि कितने लग सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लगाने के बाद हम यहाँ का एक सेटअप बनाएंगे। बाकी ये जो है मैंने केज जो बनाया था, अगर आप देखें यहाँ पर मैंने दरवाज़ा लगा दिया है, और ये जो जाली लगी हुई है इसमें, ये डॉक्टर केज की तरह ही है या पट्ठों की तरह कह लो आप, कि इसके अंदर हम वैसे कबूतर छोड़ देंगे। बाकी लॉफ्ट के अंदर जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये मैंने बटवासे लगा दी थी यहाँ पर, ताकि जो ब्रीडिंग वाले जितने भी कबूतर होते हैं ना, वो बाहर बैठे और बीट जो है लैटरिन वो नीचे करें, ठीक है। तो जैसे मैंने सुना था वैसे ही हुआ, तो उससे क्या है कि खानों के अंदर जो है कम से कम गंदगी की हो जाए। और खानों की बात करें अगर, तो आप देखिए बिल्कुल ड्राई है, यहाँ पर बिल्कुल सूखा हुआ है, ये बिल्कुल सूखा है, ये बिल्कुल सूखा है। इसके अंदर जो थोड़ी सी बीट है ना, ये हम क्लीन करते हैं डेली, ठीक है, ये रात की बीट है यहाँ पर भी है, तो उसको हम डेली क्लीन करते हैं। ये पंखा लगा हुआ है भाई, ये पंखा डेली चलता है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। और बाकी इसके अंदर अंडे रखे हुए हैं, इसमें अंडे हैं, यहाँ पर अंडे हैं, यहाँ अंडे हैं, इसमें नहीं दिए अंडे, इधर अंडे हैं, इधर बेबी हैं, इधर अंडे 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 हैं, इसके भी नहीं हुए हैं, और इधर अंडे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी अंडे हैं, यहाँ पर भी अंडे हैं, यहाँ बेबी है, और ये इन्होंने अंडे अभी नहीं दिए। तो लोग कहते हैं कि बरसातों में नहीं करानी चाहिए ब्रीडिंग, तो दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि बरसातों में केयरिंग बहुत करनी पड़ती है। अगर आप केयरिंग कर सकते हैं तो आप किसी भी मौसम में बच्चे निकलवा सकते हैं। तो पहले मैं इनको खोल दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या होता है कि मेरे जो उड़ने वाले होते हैं ना, उनको खोलते हैं, और उसके बाद मैं इनको खोलता हूँ जोड़े वालों को, ठीक है। अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे उड़ने वाले हैं ये घूमर, इसके अंदर कुछ मद्रासी वगैरह रह गए थे, मद्रासी कावली वगैरह, तो ये तो हमारे विनीत भाई हैं, वो ले जाएंगे। बाकी इस बार का पट्ठा निकला हुआ है ये वाला, आप देख लीजिए, ठीक है। यानी कि जो मेरी लॉन्ग बीमारी आई थी ना आँखों की, उसके बाद से अब ये बच्चे मेरे पास बचे हैं। एक ये है, एक ये बच्चा है छोटा, एक ये बच्चा है, और एक ये बच्चा है, ठीक है, एक ये बच्चा निकला हुआ है, और एक ये बीबी है। ये पांच छह बीबी हुए हमारे उम्र के। तो अभी क्या है, इनको उड़ने की आदत है नहीं, वो वाइट कलर का भी बीबी अभी निकला हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखिए लॉफ्ट के अंदर जो बीट है ना, किनारे किनारे है सारी, और काफ़ी अच्छा है रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इनको बाहर निकाल देते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी अब धीरे धीरे सीखेंगे निकलना बाहर, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि इनको दाने की आदत पता होनी चाहिए कि किस तरीके से दाना इनको खाना है, क्योंकि अभी क्या था कि अभी तो भरपेट खा रहे थे दाना, और जब बच्चे जो है भरपेट दाना खाएंगे ना, तो उनके बीमार होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इतने बड़े बच्चे हो जाए, इनको अलग कर दो, दाना पानी दो, हाँ छाँट दे सकते हो आप एक्स्ट्रा में, तो कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं इनको थोड़ा इनके लिए दाना निकाल देता हूँ, ताकि थोड़ा सा खा दूँ। दोस्तों पहले मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर दूँ पहले अंदर जाल की, तो ये
उसमें मैंने प्लट दी और उसके बाद अभी पहले अंदर की क्लीनिंग कर देते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं वीडियो। दोस्तों जाल की सफाई कर दी है मैंने और ये दाना निकाल लिया मैंने अपने कबूतरों के लिए जो उम्रों को दे रहा हूँ मैं। इसके अंदर सभी चीज़ अभी मिक्स है क्योंकि अभी झाड़ पाक का सीज़न है, तो अभी हम दाना ज़्यादा दे रहे हैं ताकि बॉडी के अंदर जो नए पंख आते हैं ना तो उनकी ग्रोथ में दिक्कत ना आए। ठीक है, सारे कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं तो उनको बुला लेते हैं नीचे। आओ यहाँ पर। अब यह है कि अभी इनका जो है ना झाड़ पाक के जैसे पंख आ रहे हैं ना साइड के, तो ये जब तक प्रॉपर पूरे अच्छे तरह से नहीं आएंगे ना तब तक अभी इनको उड़ाएंगे नहीं। आओ आओ। अब वो बच्चे हैं ना अभी वो दाने को समझ ही नहीं रहे, तो उनको जब तक भूख नहीं लगेगी ना तब तक दाने को पता ही नहीं चलेगा कि दाना होता क्या है, इसलिए इनको जो है ना अभी उनके साथ ही रहने। तो बाकी जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो तो अपना दाना पानी अपना सीख गए खाना कि भाई दाना पानी खाया जाता है फटाफट, क्योंकि अभी क्या था कि भरपेट दाना मिल रहा था ना तो ये थोड़ा सा नखरे करने लग जाते हैं, बीमार होने लग जाते हैं कबूतर। और बच्चों में यही दिक्कत होती है कि ज़्यादा दाना लगा लेंगे ना तो भी दिक्कत है, तो इसलिए अब इनको पता होना चाहिए कि भाई दाना अब इस लिमिट में मिलेगा तो फटाफट इनकी आदत पड़ जाएगी। वो देखिए वो बच्चा वहाँ पर अपने वापस जाल में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी आज दाना अगर नहीं खाएगा तो उसको भी आज दाना नहीं दिया जाएगा। आओ आओ आओ। देखिए वो आया है वहाँ पर, अब दाना चुग रहा है, थोड़ा सा इसकी तरफ डाल देता हूँ दाना ताकि चुग ले, उसको पता चल जाए कि दाना खाया जाता है। तो अब ये पट्टे जो है ऐसे पट्टे सेल के लिए अब तैयार हैं, मतलब 5-6 दिन के बाद अपने सेल के लिए हो जाएंगे तैयार, क्योंकि अभी तो दाना ये वैसे खा रहे हैं ना, तो हाँ ये हो जाएंगे सेल के लिए। आओ आओ। दोस्तों सारे कबूतर अंदर कर दिए हैं और इसमें जो पट्टे हैं ना अब वो दाना पानी अपना सीख रहे हैं खाना, जैसे दाना पानी अपना सीख जाएंगे ना दाने को समझ जाएंगे उसके बाद फिर थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा दाना देंगे तो फिर इनकी बॉडी के अंदर जो भी है फर्क आ जाएगा। क्योंकि अभी ज़्यादा बड़े नहीं है पट्टे, तो उनको भी हम जैसे दाना खिला रहे जैसे एक पट्टा खा रहा है दाना, एक यहाँ घुसा हुआ है ठीक है, एक वो बैठा हुआ है, एक इधर है और एक बड़ों का भवरा था जिसे ब्लू चेकर कहते हैं, ये बैठा हुआ ठीक है। तो अपना दाना पानी खा रहे हैं और अभी तो भरपेट दे रहे दाना ताकि भाई बरसात का टाइम है और काफ़ी जैसे उनके पंख जो है निकलेंगे तो जो नए पंख आएंगे उनमें ग्रोथ के लिए थोड़ी सी इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बाकी वाइट पट्टा बहुत प्यारा निकला हुआ है, कल इसने सब्जी खाई है तो पूरा मुँह उसने पीला कर लिया है, बहुत ही प्यारा इसकी हाइट भी है। और यहाँ पर दोस्तों जो पट्टे निकले हुए ना वो सिंगल सिंगल भेजते हैं, बहुत अच्छे पट्टे निकले, देखिए इसकी मटेरियल बहुत छोटी है। दोस्तों ये मेरा न्यू जो ब्रीडिंग सेटअप मैंने बनाया था, अब इसके अंदर किस तरीके का हालात है वो दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने जाली लगाई थी ना और ये बच्चे वगैरह सब बिल्कुल ओके हैं, सारी फीट नीचे जा रही है बिल्कुल ड्राई ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें सारी सूखी हुई है, जाल के अंदर उनको साफ सफाई, और ये देखिए यहाँ पर भी अभी एक ही संडे होगा कल, तो कल इसको साफ करा जाएगा यहाँ पर बिल्कुल क्लीन। और ये जो है पहला बेबी निकला हुआ है इसका ब्लू बार का, तो अब इसका भी अगर आप देखें ना तो ये क्या करता है बीट यहाँ आगे करता है ठीक है, और बीट नीचे जाती है और ये बीट सूख जाती है, तो संडे को इसको भी क्लीन करेंगे। और ये देखिए ये बच्चा निकला हुआ है और जाली के अंदर ये आराम से कंफर्टेबल है, यानी कि अगर ये लाइटिंग वाइटिंग करेगा भी ना कल को तो बीट नीचे जाएगी और ये आराम से अपना घूम लेगा, बहुत ही तेज शार्प बच्चा निकला हुआ ये। तो इसको अभी हम वापस इसके लॉक में डाल देते हैं ताकि ये अपना आराम से रह ले। हाँ मार लो। यहाँ मैंने ये इसे दबा रखा है ताकि बीट वगैरह है वो करता रहे, यहाँ पर बीट सारी सूखी हुई है और ये जो है हमारे बहुत अच्छे कबूतर, तो इनके भी बच्चे पिछली बार इसलिए नहीं बच पाए थे
कि लॉफ्ट के अंदर जो है ना गीला ज़्यादा हो रहा था, मतलब सूख नहीं रहा था। अब इसने भी अंडे दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए बच्चे निकलेंगे तो दिखाएंगे आपको। यहाँ पर ये हमारे विशाल भाई से आए थे, तो उनके अंडे इस बार ख़राब हो गए थे लड़ाई के चक्कर में। हुआ क्या था कि ये जोड़ा था और ये जो मिली बार लेकर आया था ना, तो ये और ये आए दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसने घुस के जो है इसके तैसे करके अंडे ख़राब कर दिए। इसके अंदर अंडे हैं और ये भी जोड़ा लगाया है, भी कन्फर्म जोड़ा लगा नहीं है, ठीक है। ये हमारे रस्तोगी जी से आया था, ये हमारे सलमान भाई से आया हुआ है, माध्यम जो है सलमान भाई के। तो ये जोड़ा भी अभी देखते हैं कि कब तक कन्फर्म होगा। अभी जोड़ा इसका लगा नहीं है, ये बाकी ये मिली बार लेकर आया हूँ, ठीक है। हमारे अजब भाई से आए हुए हैं और इनका भी हम देखेंगे। और ये सलमान भाई का बहुत फेवरेट कबूतर था, इसका भी जोड़ा लगा दिया। और इसको जो है ना बिल्ली ने पंजा मार दिया था, क्योंकि इसको बाहर छोड़ रखा था। तो काफ़ी अच्छी कबूतरी है, शार्प। और इसके देखिए पूरे टाँके लगे हुए हैं, ये करीब 8 टाँके आए थे यहाँ पर, दिख रहे हैं आपको। बट ये कि अब ठीक हो गई है काफ़ी हद तक, इसको रिजल्ट मतलब अच्छा आ गया है। अब मैं डालने को दोस्तों पता क्या है, वीडियो में डाल दूँ, बहुत सारे डाल दूँ, लेकिन बेफालतू की वीडियो डालने का मेरा मन नहीं करता। मैं वो वीडियो डाल दूँ जिससे किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। यहाँ पर भी एक बेबी है इसका, ये कलकत्ता लाइन रह जाते हैं, तो उसका भी एक बेबी है और अभी कलकत्ता लाइन के, तो अभी उनके भी देखते अंडे बच्चे कब होंगे। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, आज पानी का बर्तन निकाल दिया, साफ सफाई करेंगे। और अब जो है इस जाल को साफ कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी गंदगी है। क्योंकि ये क्या है कि इसमें कबूतर ज़्यादा हैं, तो हम इस जाल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि भाई तुम खुल जा। चलो दोस्तों, ये जोड़े वालों के लिए दाना पानी निकाल दिया है, कुछ बच्चे निकले हुए हैं, ये भी थोड़ा सा सुस्त आ रहे हैं। अब जाल की जो साफ सफाई है मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर जो लॉफ्ट है ना बिल्कुल ड्राई रहता है। और पंखा जैसे अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा था। ये पंखा दोस्तों मेरा, इसको कहते हैं कैबिन फैन, ठीक है। ये चारों तरफ से कवर होता है, एक एडजस्ट फैन आता है, एक कैबिन फैन होता है। कैबिन फैन में प्रॉपर तरीके से जालियाँ लगी होती है जो कबूतरों के लिए ठीक है। और 850 रुपये का पंखा आया था ये। और ये पंखा अगर आप लॉफ्ट में लगाते हैं ना, तो एक तो ये लाइट वेट है, ठीक है। दूसरा बात, ये थोड़ा सा मूव भी हो जाता है, यहाँ पर ऊपर स्पेस नहीं मिलती, ऊपर नीचे हो जाता, तो इसको मैं थोड़ा मूव भी करा लेता हूँ। और इसको चलाने के बाद दोस्तों क्या है कि अंदर जो वीट की जो एक गैस होती है ना, वो अब जैसे हवा यहाँ से सीधा टकराती है, तो टकराने के बाद सीधा फिर थोड़ा बाहर भी जाती है। तो इससे क्या है कि जो अंदर गैस बनती है ना, जिसकी वजह से आँखें और बीमारियाँ आती है, वो मेरी यहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर ये जो बटवास मैंने लगाई इसमें, तो इसमें क्या कि जो जितने भी नर है ना, वो अपना आके इधर बैठ जाते हैं, वहीं लाइटिंग करते हैं, तो नीचे गिरती है, तो ये नीचे हम क्लीन कर देते हैं सारा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये साफ सफाई तो चली रही है, अपना ये अंडे दे रखे मैंने, तो ये लगाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो अगर आपका भी, अगर आपको लगता है कि जाल के अंदर गर्मी है और गैसेस बन रही हैं, बदबू बहुत आ रही है, तो आप भैया एडजस्ट लगा लीजिए, ये बहुत फ़ायदा करता है। अंदर यदि मानो दोस्तों चलने के बाद जो अंदर से गैस वगैरह बाहर निकाल रहा है ना, उससे बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है मेरे को। इसको मैंने थोड़ा थिन कर दिया है, ताकि ये प्रॉपर हर जगह पर देखिए, यहाँ पर हवा आ रही है ना, ये देखिए यहाँ पर हवा है, यहाँ पर भी पूरा उड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब जगह पे अपना ये हवा से मेरा क्लीन कर देता है, ठीक है। अंदर भी पूरा हवा, यानी खाने खाने के अंदर हवा जा रही है, इससे क्या है कि कबूतर प्रॉपर तरीके से बच्चों को वेंटिलेशन मिलती है। सर्दी आएगी तो उसको हटा देंगे, और ये पैड मैंने यहाँ रख करके सूखने के लिए, ठीक है ना। जो बच्चे बीट वगैरह कर देते हैं, इसमें दो बेबी निकले हुए हैं इसके, ये भी उम्र के बच्चे हैं इसके अंदर, और जो जोड़ा है वो पटियाला का है, ठीक है।
अभी देखिए प्रॉपर अंदर जो है वेंटिलेशन वगैरह बना रहेगा। यहाँ से जो है अगर यहाँ पर अगर आप खड़े होकर महसूस करें ना, तो जो अंदर से हवा आ रही है वो स्मेल वाली है, यानी कि बदबू वाली हवा है, तो वो सारी निकलती रहेगी साथ के साथ ही। बाकी अब ये देखिए बच्चा जो है छोटा सा, ये भी अपना खा रहा है, तो इस तरीके से खाना सीख जाएगा ये बच्चा भी। देखिए अभी निकला है, अभी छोटा है इसलिए इसको अभी अलग नहीं करा है, तो जो खाना सीख जाएगा भाई उसी तरीके से धीरे 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 उसको आदत पड़ जाए तो ये दाना खाया जाता है। ठीक है, तो दो तीन पट्टे हैं अभी इसमें जो भी अभी अलग करने, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा अभी दाने को पहले अच्छी तरह समझ लें, भरपेट खान देते हैं इनको, उसके बाद उनको अलग करा जाएगा। तो दाना पानी रख दिया है, हम दाना पानी अपना खा लेंगे, और अभी बरसात का टाइम है तो थोड़ी सी बीमारियाँ भी बहुत होंगी, तो अपने लॉक का ध्यान रखें। ठीक है, अगर हल्दी मिल जाए आपको लॉक में, हल्दी वगैरह डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बीमारियाँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे लॉफ्ट में जो आपके ब्रीडिंग है सेटअप है या जहाँ पे आपने उड़ने वाले भी रखे ना, तो थोड़ा सा हल्दी वगैरह छिड़क देंगे ना, छिड़क देना, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी आज की वीडियो ठीक लगी तो कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करा करो भाई प्लीज़। यार मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि अगर मान लो मैं किसी फैंसर के पास जाऊँगा और मेरे पास सवाल ही नहीं होंगे तो मैं आपको क्या बताऊँ, तो प्लीज़ आप सवाल ज़रूर करा करें, मैं उस पर फिर वीडियो बना दूंगा। टॉपिक आप बताओ यार। ठीक है, मेरे पास सभी तरीके के टॉपिक हैं, चाहे उड़ने से लेकर हो, चाहे ब्रीडिंग से लेकर हो, बच्चे से लेकर, बीमारी से लेकर, चीर फाड़, हर तरीके की चीज़ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें इसके भी बिल्ली ने पंजा मार रखा है, इसके भी चार पॉइंट आके आए हुए हैं, लेकिन मैं अगर ये वीडियो भी डालूँ ना तो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को कि यार कैसे कैसे करना। वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वाले डालना चाहता हूँ, मैं कुछ भी वीडियो नहीं डालता। अगर आज की डेट में मैं थोड़ा सा अगर रुक गया ना वीडियो बनाने के लिए, वो इसी वजह से कि जब तक मैं अच्छी तरह से नहीं सीखूंगा मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन को अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं और आपको नुकसान होगा तो भाई मुझे भी दुख होगा, इसलिए मैं अभी ऊट पटांग वीडियो नहीं डालता। जो भी है अपना अच्छी वीडियो होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हो, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो वो मैं दूँ आपको। ठीक है, इसलिए मैं दिल्ली के बहुत अच्छे अच्छे फैंसरों के पास जा रहा हूँ, टाइम निकाल कर उनके अनुभव ले रहा हूँ, जो उनके सालों का अनुभव है वो मुझे एक घंटे की वीडियो में दे देते हैं, और जब मैं उनसे सीखता हूँ, क्योंकि एक घंटे की वीडियो तो आप देख रहे हो ना, चार पाँच घंटे तो मैंने बिताए वहाँ पर, और चार पाँच घंटे में जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो मैंने एब्जॉर्ब किया है, वो फिर मैं अपनी वीडियो में कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है ना, इसलिए भाई आप कमेंट ज़रूर करें, सवाल ज़रूर करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक जरूर करा करें, कमेंट जरूर करा करें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को जा दीजिए, नमस्कार।